ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, डाई इज रोल्ड, एक डाई पासा डाला गया है, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4। एक इवेंट दिया है कि जब हम उस पासे को डालते हैं तो वो 4 दिखा देता है, है ना, 4 ऊपर आएगा। एफ बी द इवेंट, डाई शोज इवन नंबर, एफ एक इवेंट है जिसमें डाई इवन नंबर दिखाता है। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो पहली बात आप ये समझिए कि जो डाई है इसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है, इसका डाई का सैंपल स्पेस हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो ई इवेंट है, दैट मीन्स डाई शोज द 4, और एफ इवेंट है कि डाई शोज द इवन नंबर, तो इसमें से इवन नंबर क्या क्या हो गए, 2, 4 और 6, ठीक। अब यहां पर आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जब इन दोनों में जो एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उनका इंटरसेक्शन करें तो वो नल सेट आना चाहिए, यानी कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 4 जो है वो ई में भी आ रहा है और 4 जो है वो एफ में भी आ रहा है, सो द इवेंट ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बी इज अ नंबर ग्रेटर देन 7, ये सारे हमें इवेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, और हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन एफ, ये सारी चीजें निकालनी है। तो हमें पता है कि ऐसा आपको पता है ए माइनस सी, डी माइनस ई, ए इंटरसेक्शन एफ नॉट और एफ नॉट निकालना। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम सैम्पल स्पेसेस देखते हैं, बाकी फिर आप कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके सैम्पल स्पेसेस हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको जो दिया हुआ है कि डाई लिखा हुआ है, उसमें डाई का पहले सैंपल स्पेस क्या होगा, डाई का जो सैंपल स्पेस होगा, डाई का सैंपल स्पेस हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे पहला इवेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए नंबर लेस देन 7, तो इवेंट ए के लिए इसमें क्या आएगा, नंबर लेस देन 7 है तो 7 से कम तो कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका 0 हो गया, यानी कुछ नहीं है, ठीक है। बी वाले में आपका लिखा हुआ है नंबर ग्रेटर देन, सॉरी नंबर लेस देन 7, गलती हो गया मेरे से, नंबर लेस देन 7 में आपका ये सारा हो गया। डी वाले में आपका है नंबर ग्रेटर देन 7, तो ये आपका नल सेट हो गया, ठीक है। सी वाले में आपका है मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन कौन से 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 और 6, ठीक है। और इसके बाद आपका डी वाला सैंपल स्पेस है, डी वाले में क्या लिखा हुआ, नंबर लेस देन 4, तो नंबर लेस देन 4 में आपका आ गया 1, 2 और 3, लेस देन 4 है तो हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है ई वाला, ई वाले में क्या दिया है, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर होना चाहिए जो कि 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़ा इवन नंबर केवल 6 है और कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका एफ आपका दिया हुआ है नंबर नॉट लेस देन 3, जो कि 3 से कम ना हो, यानी 4, 5 और 6, ये आपके सारे सैंपल स्पेस बन गए। तो जैसे मैं इसमें कुछ आपको बताता हूँ, जैसे आपको अगर ए यूनियन बी निकालना है तो इसी तरीके से आप बी यूनियन सी भी निकाल लीजिएगा, फिर अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो आप ये वाला निकाल लीजिएगा इंटरसेक्शन के सारे। अब मान लीजिए मैं इसमें आपको डी माइनस ई निकाल के दिखा दूंगी, ये मैं कुछ आपको सैंपल की तरह दिखा रही हूँ कि आप ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले आपका है ए यूनियन डी, यहाँ पर ए में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, ए में आपका लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसका यूनियन करना है बी के साथ, नल सेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इधर तो कुछ है ही नहीं, आपका ये सारा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो लिखा होता है, दोनों सेट में जो लिखा होता है उसको टोटल लिखते हैं,
ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब अगर यहीं पर आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है इसी के लिए, तो जो चीज कॉमन होती है, जो चीज दोनों में होती है वो आंसर होता है। तो अब नल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन हो तो उसका आंसर नल सेट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए डी माइनस ई है, तो पहले डी लिखा है ना, तो पहले डी का सेट लिखिए 1, 2 और 3, और ई वाला आपका क्या है 6 है, तो आपने 6 माइनस किया, तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं कट रहा, तो बस जो आगे वाला सेट होगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या लिखा हुआ है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स अ रोलिंग पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर कमा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए पेयर ऑफ डाइस, यानी एक साथ हमको दो पासे उछालने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर पेयर ऑफ डाइस होता है तो उसके सैंपल स्पेस क्या होते हैं और हम किस तरह से उसको निकालते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ डाइस में देखिए पहले आपका 1 और 1, मान लीजिए पहले पासे में 1 आया तो दूसरे में भी 1, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। ठीक है, इसी तरह पहले पासे में 2 और, फिर 1, फिर 2 और 2, फिर 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर 2 एंड 5, देन 2 एंड 6, नेक्स्ट सैंपल स्पेस 3 और 1, 3 और 2, 3 और 3, 3 और 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6। इस तरह से हम पेयर ऑफ डाइस के सैंपल स्पेसेस लिखते हैं, तो 4 और 1, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4, 4 और 5, 4 और 6, 5 और 1, 5 और 2, 5 और 3, 5 और 4, 5 और 5, 5 एंड 6। यहाँ पर सैंपल स्पेस 6 और 1, 6 और 2, 6 एंड 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5 एंड 6 एंड 6। तो ये हमने आपको सिखाया, ये सैंपल स्पेस है फॉर अ पेयर ऑफ डाइस। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बुक में आप क्वेश्चन देखिए, पहला ग्रेटर देन 8, ये सीखना बहुत जरूरी है। आपका ए इवेंट देखिए, ए इवेंट में आप क्या क्या है, सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब हमें दोनों गिनतियों को जोड़ना है और वो 8 से बड़ा हो। यहाँ पर आप देखिए 6 और 1 7 हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या रहा 6 2 8, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, 8 से बड़ा। फिर ये क्या 3 और 6 9, तो यहाँ पर आपको ये वाला बड़ा मिला। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके ऐसे देखते जाइए, ये देखिए ये आपको 9 मिल रहा है, ये इधर देखिए ये 5 3 8 है, ये 4 4 8 है, ये तो इधर वाले ये जितने भी हैं ये आपको 8 से बड़े मिल रहे हैं। तो आपने आराम से इनको फटाफट फटाफट गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपके टोटल सैंपल स्पेसेस कितने आ गए 10। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 और 6 4 और 5 4 और 6 5 और 4 5 और 5 5 और 6, फिर 6 और 3 6 और 4 6 और 5 और 6 और 6, ये आपको सैंपल स्पेस मिल गया। तो टोटल आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सैंपल स्पेस आपके कितने हो गए नंबर ऑफ ए के लिए 10। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेसेस आपके लिए 36 होते हैं जब पेयर ऑफ डाइस होता है। तो अब आपका बी इवेंट के लिए निकालना है आपको, बी इवेंट देखिए 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, 2 किसी भी डाई पे हो, चाहे पहली बार में हो चाहे पीछे हो। तो आप देखिए पहली वाली, इस वाले पूरी लाइन में 2 आ रहा है ना आपके पास, ठीक है, इसके अलावा इस लाइन में भी आपके पास पूरे में 2 आ रहा है, तो आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप दोबारा मत गिनिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भी आपके 11 सैंपल स्पेसेस हो गए। ठीक है, और आप इसको यहाँ लिख भी सकते हैं 2 और 1 2 और 2 2 और 3 2 और 4 2 और 5 2 और 6 2 और 2 दोबारा मत लिखिए 3 एंड 2 4 एंड 2 5 एंड 2
सिक्स एंड टू, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी देखिए, सी आपका इवेंट क्या लिखा हुआ है बुक में देखिए, सी वाला सम इज एट लीस्ट सेवन, दोनों को जोड़ने पे थ्री आना, सेवन आना चाहिए, और उसमें से एक मल्टीपल थ्री होना चाहिए, जोड़ने पर सेवन हो, जोड़ने पर सेवन हो और मल्टीपल वो थ्री का होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा होगा आपका, ये है फोर और थ्री सेवन, थ्री और फोर सेवन, फाइव टू सेवन में मल्टीपल थ्री नहीं है, सिक्स वन सेवन में मल्टीपल ऑफ थ्री है, ठीक है। इसी तरीके से वन और सिक्स में मल्टीपल ऑफ थ्री है, आपके चार सेट हो गए, ठीक है। इस थ्री का ये मल्टीपल है, फिर ये थ्री और फोर, फोर और थ्री, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, अभी देखते हैं बाद में क्या आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब जो कॉमन ना हो। तो आप ये देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो सिक्स और टू यहाँ पर है, कोई ऐसा इवेंट मिल रहा है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी एंड नॉट ए। यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा है रोलिंग अ डाई, है ना, तो रोलिंग अ डाई यानी डाई के मेरे सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं। तो डाई के सैंपल स्पेसेस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हमारे डाई के सैंपल स्पेसेस हो गए। अब हमारा जो ए इवेंट है, ए इवेंट दिया है गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसमें से हमारा प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, टू थ्री और फाइव। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से कटते नहीं है, और वन जो होता है वो एक प्राइम नंबर नहीं होता। उसके बाद बी में लिखा हुआ है कि बी एक ऐसा इवेंट है कि जो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर में मेरे क्या हो जाएंगे, वन थ्री और फाइव, तो ऑड नंबर आपका वन होता है, वन थ्री और फाइव, ठीक। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि आपको सेट बनाना है, पहला फाइंड करना है ए और बी, ठीक है, हमको सेट्स लिखने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, हमको क्या करना है सेट। यहाँ पर ये याद रखिए, जहाँ कहीं पर भी और होता है तो हम वहाँ पर यूनियन लिखते हैं, वहाँ पर क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यूनियन कर देंगे, टू थ्री फाइव यूनियन वन थ्री और फाइव का, यूनियन करने पर हमारा क्या आ जाएगा, वन टू थ्री और फाइव। तो हमको क्या याद रखना है, और का मतलब यूनियन, ठीक है, यूनियन में हम सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है ए एंड बी, तो एंड अगर कहीं लिखा होता है तो हमको इंटरसेक्शन निकालना होता है, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अगर अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, टू थ्री फाइव इंटरसेक्शन वन थ्री और फाइव, अगर अब हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, थ्री और फाइव, तो ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका यहीं पर दिया हुआ है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब होता है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमने पहले ए लिखा टू थ्री और फाइव माइनस
1, 3 और 5। ये 3 और 5 हमारे कट गए, आगे मेरा क्या बचेगा 2। तो ये a माइनस बी, ए माइनस बी कहीं पर रहेगा तो उसको लिखते हैं बट ए बट नॉट बी। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है नॉट ऑफ ए डैश, ए डैश नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए का मतलब हो जाएगा ए डैश, यानी जो चीजें ए में ना हो। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखिए ए में 2, 3, 5 है और यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2, 3, 5 को अगर हम हटा दें तो क्या क्या बचेगा, 1, 4 और 6। तो यहाँ पर हमारा ए डैश यानी नॉट ऑफ ए में मेरा क्या क्या हो जाएगा, 1, 4 और 6। इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है जो, चलिए अब ये वाला करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, हम उसको आगे भी देखेंगे।